हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माय नेम इज मोहक रहतानी और आज मैं आपके लिए लेके आया एक बेहद ही अमेजिंग वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जो अभी पीएचडी के एडमिशन ओपन हो रखे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड आईआईटी दिल्ली ज्वाइंट प्रोग्राम में, उसके लिए आपको क्या करना होता है एंड उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कैसे आप उस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं, विच इज़ अ ज्वाइंट कोलेबोरेशन बिटवीन बोथ द यूनिवर्सिटीज़। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, सो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम वीडियो बेसिकली दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम समझते हुए चलेंगे कि बेसिकली करना क्या है हमको, हम कैसे इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में जो भी तमाम डिटेल्स है वो हम जानते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूकेडार पेज है, विच इज़ दी ऑफिशियल पेज ऑफ बोथ दी यूनिवर्सिटीज फॉर दिस ज्वाइंट प्रोग्राम। इसको ओपन कैसे करना है, आप जनरली कहीं आपने गूगल में जाके UQIDAR लिख सकते हैं एंड देन आपका जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें से आपको अप्लाई करना है। तो जब आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे यूकेडार के, तो ये आपको एक पेज ओपन करके दे देगा जो कि यही इसी तरीके का पेज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो प्रोग्राम की डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई 17 मार्च 2024। सो हर सेमेस्टर में आपको ये ऑप्शन आता है कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स इसमें रोल आउट किए जाते हैं एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस पीएचडी में क्या फ़ायदा है आपको कि आपको सुपरवाइजर्स यहाँ से भी मिल रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से भी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट एंड आपको रिसोर्सेज भी मिलते हैं आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के, जो कि आप अपने पीएचडी के टाइम पे आपको बेनिफिट करेंगे। चलिए, तो जो जैसा मैंने बताया कि 17 मार्च तक ओपन है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे अप्लाई नाउ पे, ये आपको एक पेज खोल करके दे देगा जो कि इस तरीके का होगा। अब इसमें आप देख सकते हो, दो लोगों के लिए होता है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के लिए भी है, बट हम एज अ इंडियन स्टूडेंट देखेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे हाउ टू अप्लाई एज स्टूडेंट्स। तो जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका एक पेज खुल जाता है। देखो, आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ये सारे स्टेप्स की आपको कैसे करने हैं एंड सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को भरा जाता है, या क्या आपको डिटेल्स लिखनी चाहिए जिससे कि थोड़ा आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। एंड मैं अपने कुछ पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा, जिस तरीके से मैंने अपने टाइम पे अपना फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें इसमें इनपुट करी थी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं फाइंड अ प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट बहुत सारे आते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कैसे हैं। अवेलेबल प्रोजेक्ट कौन से हैं ये देख लीजिए आप। पहले यहाँ पे आके आप अपनी डोमेन के हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप अपनी पीएचडी किस में करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना प्रोजेक्ट, जैसे आप साइंस में हैं तो आप साइंस के हिसाब से प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं, उसमें भी आपकी सपोज कोई डोमेन है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं मैनेजमेंट से हूँ तो आप मैनेजमेंट की देख सकते हैं, जहाँ पे आप सोशल मीडिया एंटरप्राइजेज एंड मैं जैसे फाइनेंस में हूँ तो फाइनेंस का आप देख सकते हैं। इस तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसको सिलेक्ट कैसे करना है आपको, देखो क्या चेक करना है, अभी जो पोजिशन ओपन है, सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोजेक्ट स्टेटस में आएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोजिशन ओपन। ठीक है, आप यहाँ पे पोजीशन ओपन पे क्लिक करने के बाद में ये कर सकते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप खुद फेलोशिप लेके आ रहे हैं विच इज़ योर फेलोशिप, या फिर अगर आप चाहते हैं फेलोशिप आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं विद अ फेलोशिप। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि आपको खुद की फेलोशिप लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी सजेशन है आप दोनों के हिसाब से चेक करें। मतलब हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में फेलोशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल ना हो, और अगर आपने यूजीसी नेट, जीआरएफ या कोई और फेलोशिप, गेट फेलोशिप, सीएसआईआर फेलोशिप, ऐसी कोई फेलोशिप खुद से आपके पास है तो आप वो वाले प्रोजेक्ट भी चेक कर सकते हैं। इनकेस आपके पास फेलोशिप नहीं है, आप विद अ फेलोशिप करके प्रोजेक्ट सर्च कर लेना। बट मैं अभी आपको विदाउट फेलोशिप वाले भी दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों आ जाएंगे, जब अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम अप्लाई कर देंगे तो आपको देखना जो भी अभी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो चेक आप कर पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, और आप एक चीज़ देखेंगे कि इनमें पोजिशन ओपन है। ओपन मीन्स कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ना, इसमें कोई भी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब जैसे आप देख सकते हैं
एक आपकी ये है कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन ऑफ इंडिया इन दी ग्लोबल वार्मिंग एरा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल दी गई है। जैसे ये इंजीनियरिंग का है, ठीक है, तो आपको डोमेन भी यहाँ पे लिस्टेड है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज, ठीक है, ऐसे ही AIML। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। जैसे मैं मैनेजमेंट से हूँ, तो अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ या लेफ्ट में आके बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस पे भी एक फिल्टर लग जाएगा। बिजनेस एंड मैनेजमेंट लगा के अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ, तो ये जो मुझे प्रोजेक्ट्स है वो सिर्फ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के दिखाएगा। आप जैसे ये देख सकते हो, आप ये सस्टेनेबल BIM अप्रोच, डेटा ड्रिवन सिक्वेंशियल इन ऑपरेशंस, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स इन इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। अब जैसे सपोज करते हैं कि मैं इसमें चले जाता हूँ, ये प्रोजेक्ट को आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट की दी होती है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको प्रोजेक्ट के बारे में पहले रीड करना है कि क्या ये आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है। जैसे इसमें आपका ये ट्रांसफॉर्मेटिव आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, AI और बिग डेटा पे काम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई मिलेगी कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये लोग करना क्या चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, इस प्रोजेक्ट में आप कैसे हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये भी आपको यहाँ पे पिच किया जा रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये एक आइडिया दिया जा रहा है कि हम किस एरिया में काम करने वाले हैं, ठीक है, और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और आपको फिर इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये आपके इंटरेस्ट का है या नहीं है, ठीक है। आउटकम क्या होगा, देखो, आपको यहाँ पे आप एडवांस नॉलेज कर पाओगे, है ना, पेपर वगैरह लिख पाओगे आप। तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। फिर आपकी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है कि आपको क्या, कौन कौन सी आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, डिजायरेबल कैपेबिलिटीज क्या है, कि अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट में आना चाह रहे हो तो आपको कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपकी BA और मास्टर्स होनी चाहिए रिलेटेड एरियाज में, जैसे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखेगा। अच्छा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिख रही है, जैसे कि आई स्टूडेंट मस्ट हैव ओन स्कॉलरशिप टू अप्लाई। देखो, मैंने ये आपको पहले ही बात बताई थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आपकी खुद की स्कॉलरशिप होनी चाहिए, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं देगा। अच्छा, किसी किसी में जिसमें भी देगा उसमें ये नोट नहीं होगा, उसमें यहाँ पे नहीं दिया होगा कि आपको खुद की फेलोशिप लेके आनी है। जैसे मैंने भी जो किया था उसमें मुझे खुद फेलोशिप लेके आनी थी, ठीक है। तो आई स्टूडेंट मस्ट हैव ओन स्कॉलरशिप टू अप्लाई, CSIR UGC ने, ठीक है, ये देख लिया आपने। चलिए, तो ये देखिए, ये ओपन है किसके लिए, बोथ स्टूडेंट्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स और इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये पोजीशन ओपन है। चलिए बात करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोफेसर देख सकते हैं, प्रोफेसर बेगोना डोमिनिकिस, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UQ के हैं, और डॉक्टर सौरभ पॉल, ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के हैं। तो ये आपके प्रोफेसर हैं इसमें। चलिए, तो अब हम बाहर आ जाते हैं इससे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कि हमने प्रोजेक्ट पहले सिलेक्ट किया। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भरना है, जो कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाला लिंक आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका मेन है, ठीक है, ये आपका मेन है जो कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरने के लिए हेल्प करेगा। ये क्लोज क्यों दिखा रहा है, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, बाकी ये कोई प्रॉब्लम होगी फिलहाल के लिए। ये शायद अपडेटेड नहीं है अभी, क्योंकि अभी एग्जैक्ट वो नहीं आया, मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ। देखो, ओपन है अंटिल 27, तो आप यहाँ से अभी पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, एंड आई स्टूडेंट्स पे क्लिक किया, एंड देन आप यहाँ पे आए फाइंड अ प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिए आपने, यू कैन अप्लाई इन योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कुछ गड़बड़ है। ओके, यहाँ से आपको ओपन करना है, सॉरी। देखो, वो वाले जगह से ओपन मत करना, ये वाले से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। सो आप ये जो सबमिट एंड EOI है, फोर्थ स्टेप से जाके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ क्लिक कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा, देख लो, ठीक है। इसको मैं फिल करना बाद में बताऊंगा, इस बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल नॉर्मली स्टेप्स जान लेते हैं। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी में बेसिकली आपको यहाँ देखना है कि आपकी क्या डिग्री है ना, कौन सी डिग्री में आपको कितने चाहिए पॉइंटर्स, कितनी आपकी CGPA होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि मास्टर आपके पास M.Tech है, तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट पब्लिक एग्जामिनेशन की नहीं है, बट अगर आपके पास GATE और UGC है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से आप अपने मिनिमम परसेंटेज, आपकी 6 CGPA होनी चाहिए, ये सब चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एंड फिर ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि आप जॉइंट PhD में पार्ट ले रहे हैं, तो आपके क्या होगा कि आप, क्योंकि आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम में आप 3 साल IIT दिल्ली में बिताते हो और 1 साल आप ऑस्ट्रेलिया में बिताते हो, ठीक है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट करनी जरूरी है, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास दो तीन तरीके हैं पूरे करने के लिए, ठीक है। एक तो आप या तो IELTS वगैरह से कर लें, TOEFL वगैरह इनके स्कोर हो, विच इज द इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट जो भी होते हैं उसके लिए। और सेकंड तरीका आपके पास ये है कि अगर आपने अपनी मास्टर्स जो की है या आपने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है वो आप अपने इंग्लिश मीडियम में करी हो, ठीक है। इसमें भी आपको मीडियम सर्टिफिकेट बेसिकली बनवाना होता है, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है इजीली, कि आपने इंग्लिश में अपनी स्टडी करी थी, उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके वो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं कि रिसर्च प्रिपेयर्डनेस क्राइटेरिया। तो आपने कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम किया हो, आप प्रिपेयर्ड हो, तो ये आपको कुछ 5 पॉइंटर्स आप चेक कर सकते हो कि आपने मास्टर्स बैचलर्स में कुछ प्रोग्राम किया हो, रिसर्च रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट किया हो, या आपके ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो, ठीक है, या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ पेपर्स या अकेडमिक पब्लिशिंग करी हो, या आपका अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपकी रिसर्च की प्रिपेयर्डनेस को दिखाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे। डॉक्यूमेंट्स काफी सारे होते हैं, जैसे एकेडमिक CV, अवार्ड, डिग्री, है ना, ये सब भी। तो इसमें आपको यहाँ पे अपनी ये चीजें देखने की इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से देख करके अपनी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक CV में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, अपने आप नहीं बनाना। यहाँ पे देखो पॉइंटर्स दिए होते हैं कि आपको क्या क्या डालना है, ये सब चीजें होनी चाहिए आपके में हेड में एकेडमिक CV के, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली लाइनें ले लेना, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो इसी के हिसाब से प्रिपेयर करना, अपने से कोई फॉर्मेट बनाने मत लग जाना, क्योंकि वो प्रेफर करेंगे कि जो हमने लिखा है आपने वो चीजें प्रोवाइड कराई हो। तो यहाँ से आप ही रीड करके आप सब चीजें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको मार्कशीट्स अपनी लगानी होगी जो बेसिक होती है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कोई क्या बोलते हैं आपका कोई एग्जाम क्लियर है तो वो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे EOI, तो इसकी कुछ वो है डेडलाइंस होती हैं, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। डेडलाइंस क्या है बेसिकली, ये 14 फेब को आपका ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 17 मार्च को याद रखना क्लोज हो जाएगा, फिर आपकी 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपकी एडवाइजर की शॉर्टलिस्टिंग होती है। बेसिकली क्या होता है, इस समय एडवाइजर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे, कि जो आपने एप्लीकेशन भरी है उनको लगता है कि आप सुटेबल हो, तो दे विल इन्वाइट यू। फिर जब वो आपको इनवाइट कर लेंगे, उसके बाद आपके क्या होंगे, एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज होते हैं। अगर मान लो एडवाइजर के साथ जो आपका फर्स्ट राउंड होता है वो आपका क्लियर हो गया, तो फिर आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं और फिर आपको फाइनली ऑफर वगैरह सेंड कर दिए जाते हैं, और जुलाई में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अभी के लिए इस समय जो ओपन है वो है। फाइनली जो मैंने आपको बता दिया कि आपकी कमिटी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और आप सुपरवाइजर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो ये आपके कुछ राउंड होते हैं, ठीक है, ये आपको करने होते हैं। एंड फाइनली जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हो ऑफर। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हो। कुछ भी आपको चाहिए, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। एंड सेकंड वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको कैसे भरना है, एंड मैं अपने कुछ पर्सनल आपको गाइडेंस दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रांग हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मजा आया हो। अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय।